अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शिकेब अनवर और आप देख रहे हैं पाक जॉब्स इन ईडीयू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर नई वैकेंसीज की अनाउंसमेंट कर दी गई है दोस्तों, जिसके अंदर स्पेशल सर्विसेज यूनिट है पुलिस डिपार्टमेंट का, जिसके अंदर कॉन्स्टेबल की वैकेंसीज जो है अनाउंस हुई हैं। दोस्तों, बात करें टोटल कितनी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने की क्या लास्ट डेट है, अप्लाई आपने किस तरीके से करना है, तमाम अपडेट्स आप दोस्तों के साथ इसी वीडियो के अंदर शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, लाजमी तौर पर वीडियो आपने एंड तक वॉच करनी, वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, चैनल आपने सब्सक्राइब कर देना है ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन को बता सकते हैं, आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर मतलब आज़ाद कश्मीर पुलिस के अंदर दोस्तों नई वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। इश्तिहार बराए भर्ती कॉन्स्टेबल स्पेशल यूनिट आज़ाद कश्मीर पुलिस। दोस्तों, महकमा आज़ाद कश्मीर पुलिस के अंदर जो उसका जो स्पेशल यूनिट है, ये पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड एसएसजी क्वालिफाइड जो पर्सनस हैं उनकी बतौर कांस्टेबल भर्ती के लिए जो वैकेंसीज उन्होंने अनाउंस की थी। पहले जो इसके अंदर टोटल जो 100 वैकेंसीज अनाउंस हुई थी और इसके अलावा इन्होंने 75 वैकेंसीज और अनाउंस कर दी हैं। इसमें सिर्फ आर्मी से रिटायर्ड लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी किस्म की अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अहलियत की बात करें तो उनकी उम्र जो है दरख्वास्त जमा करवाने की जो मुकर्रर तारीख तक आपकी उम्र 40 साल से ज़ायद नहीं होनी चाहिए और आपकी पाक आर्मी के अंदर एसएसजी की जो सर्विस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल जो है वो मुकर्रा बालाई हद से जो है वो मिनहा होगी। अच्छा, अब बात करें कि तालीमी काबिलियत, आपकी तालीमी काबिलियत आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और कौमियत जो आपकी वो आज़ाद कश्मीर के आप बाशिंदे होने चाहिए, चाहे आप मुहाजर हैं या आप पुश्तीनी बाशिंदे हैं। कद की बात करें तो 5'7" आपकी हाइट होनी चाहिए और छाती आपकी 33 से लेकर 34.5 इंच के दरमियान हो। तो नाज़रीन, इसकी जो टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 75 हैं महाजरीन के लिए। 1989 की जो महाजरीन उनकी 5 हैं, महाजरीन मुकीम 1947 उनकी 14 हैं, भिम्बर की 5 हैं, मीरपुर की 7, कोटली की 10, नोती की 5, रबलकोट की 7, हवेली की 2, बाग की 5, जहलम वेली की 3, इसके अलावा नीलम की 2 और मुजफ्फराबाद की 3 वैकेंसीज हैं, सॉरी 9 वैकेंसीज हैं। अब बात करें कि आपने इसमें अप्लाई जो है किस तरीके से करना है, तो आपने अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर आपकी तालीमी शनाख्त है, आपकी पुश्तनी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल है, कौमी शनाख्ती कार्ड है आपका, और इसके अलावा आपका जो करेक्ट सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका फौजी मुलाजमत से डिस्चार्ज का जो है सर्टिफिकेट है, वो आपकी ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेड हों और आपके साथ 3 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर और ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये ग्रेड 17 या उससे ऊपर जो कोई ऑफिसर है आपने उससे जो है वो अटेस्ट करवाने हैं। और अब आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि इसके लिए जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 25 अगस्त 2024 है। आपने अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं किसी जगह पे आपने बाई पोस्ट सेंड नहीं करने, ना ही आपने इसके लिए अप्लाई करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स खुद लेके जाने हैं और ये सुबह 9 बजे पुलिस लाइंस रिजर्व हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद आपने जो है हाज़िर होना है, मतलब 25 तारीख से पहले क्योंकि आज 14 तारीख है, आज तो है छुट्टी का दिन है, तो आप कल जो है वो जा सकते हैं, जहाँ पे आपके असल जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अपने साथ लेके जाने हैं, उनकी जो है वो जांच पड़ताल की जाएगी। फिर उसके अलावा आपकी कद छाती होगा और दोस्तों आपको बताता चलूँ कि इसका जो आपका जो फिज़िकल और आपका रिटन टेस्ट ये सब जो है वो आपका एक ही दिन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा और हफ्ता 10 दिन के अंदर आपको जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें उनके कॉल लेटर उनके हाथ में थमा दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी साबित हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।